हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है हमारे, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमें एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कौन क्वेश्चन है जो हमें एग्ज़ाम्स में आएंगी। जो भी शॉर्ट्स क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, वो हम इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग, एक्सप्लेन द फीचर एंड नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। की अकाउंटिंग क्या है और उसके फीचर्स, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स वो क्या है, वो आपको सभी इस क्वेश्चन में जो है वो डिफाइन करने हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर दी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, की जो हमारी अकाउंटिंग है उसमें कौन कौन सी ब्रांचेज हैं। जैसे अकाउंटिंग की ब्रांचेज कौन कौन सी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जो है वो डिस्कस करना है। आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा सा आप अकाउंटिंग के बारे में लिख दोगे, फिर उनकी उसकी जो भी ब्रांचेज है, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके बारे में आपको जो है वो इस वीडियो में, सॉरी इस क्वेश्चन में जो है वो आंसर लिखना है। देन थर्ड हमारे पास आता है, व्हाट इज़ लेजर, गिव दी परफॉर्मा ऑफ लेजर, कि लेजर क्या है उसकी डेफिनेशन लिख दो आप, या मीनिंग लिख दो उसका आप, और वो किस तरीके से बनता है उसका जो है एक फॉर्मेट बनाना है आपको, और उसको थोड़ा सा डिफाइन करना है, वो आपके लेजर वाले क्वेश्चन में जो है आ जाएगा। देन फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रायल बैलेंस, एक्सप्लेन दी मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग इट, कि ट्रायल बैलेंस क्या है और कौन से मेथड हैं जो ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने में होते हैं। वो है जैसे टोटल मेथड है, कॉलम मेथड है, बैलेंस मेथड है, वो इसमें आपको डिस्कस करने हैं। देन फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज़ दी मीनिंग ऑफ जर्नल, जर्नल क्या है उसका आप फॉर्मेट बना दोगे, वो इस क्वेश्चन में आएगा। कि ये पाँच नंबर का क्वेश्चन अगर आप बनाना चाहोगे तो बन जाएगा। जैसे मीनिंग लिख दिया उसके बारे में, कुछ उसके फीचर्स लिख दिया है, और देन लास्ट में जो है जर्नल का फॉर्मेट बना दिया, वो इसमें आ जाएगा। या फिर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीनिंग ऑफ जर्नल एंड इट्स पर्पज़, इसका मीनिंग क्या है और इसके क्या बोलते हैं वो पर्पज़ क्या है, वो आपको इसमें डिफाइन करने हैं। देन सेवन्थ क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम एंड डिस्कस इट्स एडवांटेजेस, कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है और उसके एडवांटेजेस क्या हैं अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। देन एट्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, व्हाई देयर नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है और उसकी ज़रूरत क्यों है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। देन नाइन्थ क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन ब्रीफली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिक्स, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिक्स है अकाउंटिंग में, उसको आपको ब्रीफली जो है एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज़ डेप्रिशिएशन, कि डेप्रिशिएशन क्या है, इसमें आपको बताना है कि डेप्रिशिएशन क्या होता है। दी टर्म डेप्रिशिएशन रेफर्स टू एन अकाउंटिंग मेथड यूज्ड टू एलोकेट द कॉस्ट ऑफ अ टेंजिबल और फिजिकल एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। डेप्रिशिएशन रिप्रेजेंट हाउ मच ऑफ एन एसेट्स वैल्यू हैव बीन यूज्ड, ये आपको डेफिनेशन जो है उसमें लिख देनी है, या फिर जो आपको आता होगा कि डेप्रिशिएशन क्या है वो आप उस इसमें लिख सकते हो आंसर में। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। आगे आपके 11, 12, 13 जो है दो नंबर वाले क्वेश्चन है। जैसे 11th है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 10th जो है वो है अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स, उसको आपको डिफाइन करना है। द नेक्स्ट है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कौन कौन से हैं वो आपको डिस्कस करना है, सॉरी आंसर लिखना है अपनी आंसर शीट में। देन 13th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ NOP, NOP क्या होता है, कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, NOP क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है। देन 14th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रॉयल्टी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रॉयल्टी एंड रेंट, रेंट और रॉयल्टी में क्या डिफरेंस है और रॉयल्टी जो है उसका मीनिंग क्या है। मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग, ब्रांच अकाउंटिंग का जैसे आपने वहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की ब्रांच जो है वो डिफाइन करनी थी, इसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग, पहले तो आपको लिखना है कि अकाउंटिंग ऑफ ब्रांचेस क्या है, फिर उनको डिफाइन करना है। जैसे उसमें मैंने बताया था आपको कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, टैक्स अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है, वो आपको इसमें सारे डिफाइन करने हैं। ये सारे हमारे पास दो नंबर वाले क्वेश्चन है। 17th क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन ज्वाइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप, पार्टनरशिप और ज्वाइंट वेंचर में क्या डिफरेंस है। पार्टनरशिप क्या है, कि
टू और मोर पीपल बिल्ड अ बिजनेस एंड शेयर देयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। जब दो और दो से ज़्यादा पर्सन जो होते हैं किसी बिजनेस को स्टार्ट करने की सोचते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसे पार्टनरशिप बोलते हैं, और उसके वो प्रॉफिट और लॉस जो होता है उनको शेयर करते हैं इक्विटी में, मतलब इक्वल वैल्यू में उसको हम शेयर करते हैं। इसके पार्टनरशिप के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, वहाँ आप चेक कर सकते हो जाके। देन 18th क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या डिफरेंस है वो आपको डिफाइन करना है। 19th क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग साइकिल। स्टेजेस क्या है अकाउंटिंग के वो आपको डिफाइन करने हैं, और अकाउंटिंग साइकिल जो है उसकी आपको डायग्राम बनानी है। जैसे पहले आएगा ट्रांजेक्शन, फिर जर्नल, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर पोस्टिंग, देन फिर वर्कशीट, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देन क्लोज द बुक। ये साइकिल जो है आपको अकाउंटिंग में बनाना है ताकि एग्जामिनर जो है आपकी जो भी आपने डायग्राम बनाई हुई है उस पर ज़्यादा फोकस करेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ बैलेंस शीट, व्हाई इट इज़ प्रिपेयर्ड, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग इट। ट्रायल बैलेंस क्या है वो आपको बताना है, ये क्यों बनाया जाता है वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है, और इसका प्रोसीजर क्या है वो आपको इस क्वेश्चन में डिफाइन करना है आपके आंसर में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 21th क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है उसकी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई होगी जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगी, वहाँ पर दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हो। 30 सेकेंड की वीडियो होगी, 4-5 उसमें जो है मैंने डिफरेंस लिखे होंगे, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। देन सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्रीफली एक्सप्लेन द मनी मेजर प्रिंसिपल एंड गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट विद सुटेबल एग्जाम्पल। जो प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग के वो आपको जो है वो पढ़ लेने हैं, जैसे मनी मेजर प्रिंसिपल है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, वैसे बहुत सारे हैं वो आपको पढ़ लेने हैं, मेरे ख्याल से 10-12 होंगे, वो आपको सारे पढ़ लेने हैं। उनमें से जैसे ये मनी मेजर वाला है और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट वाला है, ये मैक्सिमम टाइम जो है वो रिपीट होता है, और उसके एग्जाम्पल क्या है वो भी आपको थोड़े थोड़े जो है वो पढ़ लेने हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाईलाइट दी बेनिफिट ऑफ हैविंग जर्नली एक्सपेक्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन दी ग्लोबलिस्ट वर्ल्ड। मैं आपको जो है वो एक्सेप्टेड अकाउंटिंग के प्रिंसिपल जो है वो डिफाइन करने हैं। इस वीडियो में मैंने आपको ज़्यादा 2 या 5 नंबर वाले क्वेश्चन ही बताए हैं, लेंथी 15 मार्क्स क्वेश्चन वो मैंने नहीं बताए हैं। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी या फिर शॉर्ट्स में आपको जो है वो मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो भी लेंथी क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करवा दूंगी। थैंक यू।